कुछ ना कहो। तुम कहाँ जा रही हो? सिद्रा की बर्थडे पे। अम्मी ने इजाजत दे दी, ले लूंगी। तुम भी ना आनी, आज तो तुम अम्मी के हाथ जरूर पिटोगे। क्यों इतना डरती हो? कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है ना, तुमने पिछली दफा भी अम्मी से ऐसे ही इजाजत ली थी। अम्मी अब तक मुझसे नाराज है कि मैं तुम्हें शह देती हूँ। तुम हत्या करो, कितनी चीप हो तुम। अच्छा प्लीज वो सब छोड़ो, ये लगा दो ना मुझे, मुझसे नहीं लग रहा। ये क्या, तुम लोगों ने ब्यूटी पार्लर खोल रखे? अम्मी वो मैं बताया तो था आपको, मैंने सिद्रा की बर्थडे पे जा रही हूँ। और मैंने इजाजत दे दी थी है ना? आपने ही तो कहा था जो जी में आए करो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, थप्पड़ खाओगी तो मेरे से। ना अम्मी, एक नहीं चार थप्पड़ लगाए, लेकिन प्लीज मुझे जाने दे, मेरी इकलौती दोस्त है। छोड़ो मेरी जान, छोड़ो। क्या केंकड़े की तरह चिपट गई हो तुम भी? पहले आप कहें ना जाओ। जाओगी कैसे तुम? वो सिद्रा गाड़ी भिजवा रही। हरगिज नहीं, मैं मोहसिन को देखती हूँ, अगर वो है तो वो तुम्हें ले जाएगी। प्लीज मुझे उनके साथ नहीं जाना। नहीं तो फिर आप कहीं भी नहीं जा रही, अगर उसके साथ नहीं जाएंगी तो घर में बैठे आराम से। अच्छा ठीक है। सारे रास्ते ताने देते लेके जाएंगे, क्या मुसीबत है यार, गाड़ी भिजवा तो रही थी। अच्छा लाओ मस्कारा लगा दूं मैं तो। खोलो मुंह, खोलो मुंह, खोलो। तुम इसे ऐसे खाना खिलाती? वो मेरे हाथ से खाना ही नहीं चाह रही है, बार बार हाथ हिला देती है। वो तो खा रहे जो 2 साल से इसे संभाल रही है, वरना तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। मैं कौन सा महंगे में बच्चे संभालती थी, मेरा तो कोई छोटा बहन भाई भी नहीं था। इसलिए अब तक तुम नन्ही बनी। तभी अगर अब तुम्हें तंखे ना थप्पड़ आएगा वो खोलो। अरे 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 क्या हो गया तुम्हें? इस बच्ची को क्यों डांट रही हो इतना? देखे ना खाला, तंग कर रही है। छोटी बच्ची है, सीख जाएगी। मोहसिन अगर तुम ऑफिस जा रहे हो तो आईना को अपने साथ ले जाओ, उसको किसी दोस्त के पास जाना है। खाला मैंने आपको कितनी बार बताया, इन लड़कियों को अपनी दोस्तों के घर मत जाने दिया करें आप। अरे ये कहाँ जाती हैं बेचारियां, वो तो सिद्रा के अम्मी अबू को मैं जानती हूँ, मिल चुकी हूँ, अच्छे लोग हैं। सिद्रा मुझे फोन करके जिद कर रही थी, मैंने इजाजत दे दी, ले जाओ उसको। जी अच्छा। पुछी पुछी पुछी। भाई दुपट्टा ठीक था ना? उड़ो। सॉरी गाड़ी में बैठ रही थी तो उतर गया। ठीक से उड़ोगी तो कैसे उतरेगा? कील ठोक लूं फिर सही रहेगा। या अल्लाह ये गूंगे क्यों नहीं हो जाते? या अल्लाह ये कहीं वाकई कील तो नहीं लेने चले गए? से कुछ पेपर इधर। मैं तुम्हें शाम को पिक कर लूंगा। लेकिन अगर उससे पहले केक नहीं कटा तो? तुमने क्या एक गधों की तरह मुंह पे मेकअप थोपा होता है? गधे मेकअप नहीं करते। मैं भी पहले यही समझता था। अच्छी खासी शक्ल कैसे बिगाड़ती करती हो? कितनी बार समझाया है हुस्न सादगी और शराफत में होता है, किसी चिड़ियाघर की बंदरिया लगती है।
पता नहीं यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहती हो कि मेकअप का कोर्स करना है। ये पकड़ो और उतारो इसे। चिक-चिक करते में आए ना, मेरे साथ इतनी बातें सुनाई उन्होंने, ऊपर से इतनी जल्दी मचाई थी, मैं सिद्रा का प्रेजेंट भी घर पे भूल गई। इतनी एंबैरेसमेंट हुई है मुझे। अम्मी, अम्मी मुझे जॉब मिल गई। कंग्रेचुलेशंस। ट्रीट कब दे रही हो? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मोहसिन को तुम्हारा जॉब करना नहीं पसंद आया। अम्मी आप हर बात में उनको क्यों बीच में ले आती हैं? वो अपने घर है, हम अपने घर। फजूल बातें मत करो, वो जो भी कर रहे तुम दोनों के भले के लिए कर रहे। बेटा मैं मुझसे से बात करूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। मुझे पूरा यकीन है मेरी बात वो मान जाए, टालेगा नहीं। दिखाओ तो सही मुझे भी। बहुत पैसे खर्च करवाने वाली तुम्हारे में। जरूर अम्मी, मेरे नए वाले जूते नहीं मिल रहे। मुझे क्या पता, अपनी चीजें ध्यान से रखा करो। जब भी कोई चीज खरीद के लेकर आती है, इधर उधर फेंक के रख देती है। जरा जो एहसास से जिम्मेदारी हो इसमें। सचल अभी चुप करे, मेरे सूट के साथ मैच कर रहे थे। वैसे भी मेरा ऑफिस का दिन है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा अब मेरे जूते मैच करने लगे? हाँ, जब मैं कह रही थी कि ये वाले जूते ले लो तो। पहन नहीं हूँ, एक दिन के लिए दे दो ना। हमेशा यही करती हो तुम तो। बेटा इतने जूते पड़े हुए, कोई भी पहन लो। जाहिर सी बात है, नंगे पाऊं तो जाने से रही मैं। हर वक्त लड़ाई, बड़े हो गए अब तुम लोग। सजल माशाल्लाह से ऑफिस जाने लगी है, तुम यूनिवर्सिटी। कुछ तो अपने अंदर एहसास से जिम्मेदारी लाओ। तो ये लाए ना, 1.5 साल बड़ी है मुझसे। पर तुम तो अभी तक फीडर लेती हो ना। वो तो मैंने बचपन में भी नहीं पी है ना अम्मी। अरे ये तो सबसे मुश्किल बच्ची थी मेरी। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने 10 बच्चे पाले, हम 2 ही तो थे मासूम से। बेवकी में 2 बच्चे भी बहुत होते। अंडे की जर्दी थोड़ी टूट गई है, आप ऑमलेट ले लें। इसकी बस प्याज थोड़ी मोटी कटी है। बाकी ठीक है। हमारी शादी को इतना अरसा हो गया है कि तुम्हें अंदाजा हो कि मुझे कैसा नाश्ता चाहिए। मैं सीख लूंगी आहिस्ता आहिस्ता। दिलचस्पी लोगी तो सीखोगी ना। अच्छा लगता है कि मैं हर रोज बाहर नाश्ता करूं? हद हो गई। चाहे तो पी ले। इट्स ओके, रोज की तरह ऑफिस नाश्ता कर लूंगा। खुश नसीब है वो लोग जिनकी बीवी को नाश्ता बनाना आता है। मैं कुकिंग कोर्स कर लेती हूँ। अगर तुम खाला से कुछ नहीं सीख सकी तो कहीं से भी कुछ नहीं सीख सकोगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, काइंडली दरवाजा बंद कर लो। नादिया दरवाजा बंद कर ले। हाँ। आराम से, किस बात की जल्दी है? मैं वो आ जाएंगे आदम भू करते हुए। बुरी बात है। अम्मी हर वक्त मुझे लेक्चर देते रहते हैं, इससे बात ना करो, उससे ना मिलो, यूं ना बैठो, यूं ना चलो, पता नहीं इनका मसला क्या है। देखो बड़ा भाई है वो तुम लोगों का, तुम लोगों की भलाई के लिए कहता है जो भी कहता है। अल्लाह का शुक्र है खाला आजाद है, सगे होते तो पता नहीं क्या हाल करते।
आप मुझे बताएं फिर. थैंक यू. ओके, खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम बेटा. आओ आओ नाश्ता करो. नहीं खाला, लेट हो रहा हूँ. तुम लोग तैयार हो? जी मैं बस बैग लेकर आती हूँ. तब क्या ये भी नौकरी करेगी? मैंने आपको मना भी किया था खाला. मेरी ख्वाहिश है मोहसिन, ये इतना पढ़ लिख गई है कि अपने पांव पे खड़ी हो सकती है. कल को ना जाने कैसे हालात हो, किसी की शक्ल ना देखनी पड़े, अपना सहारा खुद बने है दोनों. खाला वो सब ठीक है, लेकिन बाहर के हालात ठीक नहीं है. मुझे अपनी बेटियों पे पूरा भरोसा है. जैसे आपकी मर्जी. तुम आज की तारीख में चाय पी लोगी? जी. मैं कार में वेट कर रहा हूं. खुदा हाफिज. जल्दी जल्दी पियो ना, उनके आते आप भी बदल गई. अम्मी एक ही मुंह है मेरा, जा रही हूं. खुदा हाफिज. भाई तुम वापस आ गई, बहुत अच्छा लगा. माशाल्लाह पहले से भी प्यारी होकर आई है. और वो फर्रुख और सुंबुल क्यों नहीं आए? पापा को चेकअप के लिए रुकना पड़ा, इसीलिए मम्मी भी साथ ही रुक गई. लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा था वहाँ, तो वापस आ गई. अब आप लोगों को पूरा एक हफ्ता मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा. है बेटा, मैं ताए का घर है, जब तक जी चाहे रहो, जैसे मर्जी हो वैसे रहो. बल्कि वो दोनों वापस आ जाए, तू भी अगर दिल चाहे तो जाना, वरना खैर. भाई मैं तो उसके बाद भी इसे नहीं जाने दूंगी. यानी घर में आती है तो रौनक आ जाती है, लगता है कोई कमी पूरी हो गई. बिल्कुल सही कहा. औलाद होनहार होनी चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब वो एक हमारे साहबजादे, माशाल्लाह से पर्दे दर्जे के नालायक. डिग्री ले लिए, लेकिन हराम है उसे कभी किसी काम में लाए, और दफ्तर में तो कभी झांक के नहीं देखते. कैसी बातें कर रहे हैं आप, इस उम्र में लड़के लापरवाह होते हैं, ठीक हो जाएगा. अल्लाह करे, वैसे ही सब आपकी शय पे. गुड मॉर्निंग. ये मॉर्निंग है. तुम वापस आ गई? हाँ. अमेरिका ने बर्दाश्त नहीं किया तुम? ठोकर मार के आ गए हम. ओ कहाँ की तैयारी साहब? वो पापा मैं. अरे भाई जहाँ भी जा रहे हो तुम एनी को साथ लेकर जाओ, और ये बेचारी जरा एंजॉय करेगी, घूमे फिरेगी. ठीक है मामा. वो इट्स ओके, अगर इमरान बिजी है तो फिर कभी सही. अरे इसने क्या बिजी होना है बेटा, गाड़ी लेगा सड़क पे निकल जाएगा, सारे दिन रोड मास्टर करेगा, सड़क नापेगा. तुम चली जाओ साथ से, क्या मसरूफियत होनी है इसकी. कहां से नाजिल हो गई थी अचानक से? अगर इतनी तकलीफ है तो रोक दो गाड़ी, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ. अंकल के सामने कैसी भीगी बिल्ली बन के चल पड़े थे. अच्छा नाराज मत हो, बताओ कहां जाना है तुम्हें? अगर याद हो तो हम पूरा दिन ड्राइव किया करते थे, तुमने पहले तो मुझसे ये सवाल नहीं पूछा. टाइम टाइम की बात होती है, एक साल में वक्त इतना बदल जाएगा, मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था. या लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने के लिए कोई और मिल गई है? एक्चुअली जो मिली है ना, वो लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए तैयार ही नहीं. तुम्हें वाकई कोई मिल गई है? Obviously, तुम चली गई थी ना, अब वैकेंसी खाली है, कौन छोड़ता है? फिर तो करनी थी ना मुझे. So you mean वक्त गुजारी के लिए कोई ढूंढ लिया? हाँ? नहीं, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारूं. Are you serious? कौन है वो? एक आईने से शफाफ लड़की. एनी तुम्हें पता है मुझे मोहब्बत हो गई उससे. मोहब्बत और तुम, जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं इमरान. इस तरह के दावे तुम पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ कर चुके हो. एक्चुअली तुम मिली नहीं हो ना उससे, इसलिए तुम इस तरह से कह रही हो. बट आई प्रॉमिस
एक दिन मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगा उसे। एक दिन क्यों, आज क्यों नहीं? आज? हाँ भाई, मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन सा आईना है जिसमें इमरान अपना अक्स देखने लगा है। अरिशो, या लेट्स सी। डन डन। हाँ, ये मेरी कजन है, आज ही अमेरिका से आई है। ओह, हेलो, हाय। हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, लेकिन पूरा रास्ता इमरान ने तुम्हारी इतनी बातें की कि मैं जिद करके तुमसे मिलने चले आई। मुझे नहीं पता था कि मेरा जिक्र हर किसी से करता है। मैं हर किसी नहीं हूँ। हाँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरे बहुत से राज भी जानती है, इसलिए थोड़ा सा डर के रहता हूँ इससे। क्यों, तुम ऐसा क्या करते रहे हो? वो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। इमरान, तुम हमारे लिए कुछ पीने को ला सकते हो प्लीज? शो, तुम लोग बातें करो, थोड़ा हाथ इधर रखना, मैं आ रहा हूँ। अच्छा लड़का, तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई है? सर, चलते चलते हो गई, लगता है किस्मत में लिखा था। किस्मत में यकीन रखती हो? हाँ, मेरा ख्याल है इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता। सब दुआ कर सकता है या कोशिश, तकदीर नहीं लिख सकता। तो तुमने कोशिश की या दुआ? किस बात के लिए, ये कैसा सवाल है? इमरान जैसे लड़के बहुत होंगे, लेकिन उसकी एक खूबी उसे सब में नुमाया करती है। बहुत अमीर बाप का बेटा और जायदाद का इकलौता वारिस। मिडिल क्लास लड़कियां उस जैसे लड़के को सिर्फ ख्वाब में ही देख सकती हैं। इवेंचुअली उनको मिलता वही फुप्पो, ताया, मामा का अपने जैसा कजन ही है। इन सब बातों का क्या मकसद है? मुझे इमरान की दौलत से क्या लेना देना? मैं तो जनरली सिर्फ एक बात कर रही हूँ। तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, इमरान समेत। अगर उसके पेरेंट्स मान गए तो वो तो इमरान के हवाले से न जाने क्या क्या सोच बैठे हैं। पता नहीं मखमल में टाट का पेवन बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं। देखो, अगर तुम यहाँ किसी भी तरह की जलन निकालने आई हो ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बातें इमरान को सोचनी चाहिए थी, मुझे नहीं। खैर, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, बाय। इंतहाई बदतमीज लड़की है ये आयना। उसको बात करने की तमीज ही नहीं, मुझे छोड़कर अपनी क्लास लेने चली गई। आई डोंट नो तुम्हें उसमें नजर क्या आया। एक्चुअली वो उसकी इम्पोर्टेंट क्लास थी ना, शायद इस वजह से गई होगी। तुम्हारी फैमिली की उसकी नजर में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा लिया तुमने उसे। यार प्लीज एनी, वहां उसने मुंह फुलाया हुआ, यहाँ तुम नाराज बैठी हुई हो। तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई, मुझे क्या पता। आई एम सो ग्रेटफुल टू इमरान कि उसका फूला हुआ मुंह देखने के बावजूद भी तुम मुझे ड्रॉप करने आ गए। थैंक यू। अच्छा प्लीज अपना मुंह ठीक करो। इतनी आसानी से नहीं करूंगा। आईना, 8 घंटों में एक ऐसा मिनट नहीं था जब उसने आईना का नाम ना लिया हो। मैं उसके लिए वापस आई और वो कहां से कहां निकल गया है। सिर्फ एक साल, एक साल में वो इतना बदल गया है।
कल तक मेरे आगे पीछे घुमा करता था, और अब जब घर में शादी की बात चल रही है तो इसे आईना में अपना अक्स नजर आने लगा है। तोड़ के रख दूंगी इस आईना को, किसी काबिल नहीं छोड़ूंगी। वो होती कौन है हमारे दरमियान आने वाली? बाजी क्या है, नॉक करके नहीं आ सकती? वो मेरा साहिब आपको चाय पे बुला रही हैं। नहीं पीनी मुझे चाय। अच्छा रुको, उनसे कहो मैं आ रही हूँ। जी ठीक है। इमरान की कजन थी, फुल मॉडर्न नकछड़ी टाइप, अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, मैंने तो ज्यादा लिफ्टी नहीं कराई। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, उसको चाहिए ना घर पे बात करे, रिश्ता लेकर आए, इस तरह से मिलना अच्छा नहीं लगता। वो भी हो जाएगा, मैं तो सोच रही थी फराज भाई वापस आए, तुम लोगों के रिश्ते की बात चले तो फिर हमारा नंबर भी आ जाए। वो भी आ जाएंगे, कम से कम तुम दोनों की तो मंगनी हो। अच्छा मैं उसे बात करूंगी। वैसे सजल तुम्हें अजीब नहीं लगता? फराज भाई ने वहां जाके तुमसे कोई रابطہ भी नहीं किया, तो लगता है कि मंगनी करके भूल ही गए। ऐसी बात नहीं है, वो मसरूफ हो गए होंगे। उन्होंने जाने से पहले तुमसे कुछ बोला था? सी ऑफ करने मुझे एयरपोर्ट नहीं चलोगी? नहीं, ये इसे कर दूंगी। गाड़ी में जगह भी तो नहीं है। जगह तो दिल में होती है। दिल में जगह है तो कुछ कहते क्यों नहीं? 4 साल के लिए जा रहे हो, मेरे लिए 4 जुमले भी नहीं। ये पागल लड़की, मैं तुम्हें एक मजबूत रिश्ते में बांध कर जा रहा हूं, जब भी आऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करोगी ना? और मुझे क्या करना है? जहां छोड़ के जा रहे हो वहीं खड़ा पाओगे। हेलो, यहीं खड़े खड़े अमेरिका चली गई क्या? नहीं, बस मैं सोच रही थी कि वो क्या कह के गए थे। क्या कहा था? कुछ नहीं। अच्छा बेटा, हमसे पर्दा? ठीक है बेटा, अब मैं भी तुम्हें इमरान की कोई बात नहीं बताऊंगी, समझी? ठीक है, चलो जाओ बर्तन निकालो, खाना लगाना है। उफ, कर रही हूँ। बढ़िया बा, नादिया से इतनी सख्ती ना किया करो तुम। खाला आप उसकी हरकतें भी तो देखें, कोई भी काम वो ढंग से नहीं करते। कम उम्र है, आती औलाद की जिम्मेदारी पड़ गई, काम काज का क्या है, वक्त के साथ साथ वो भी सीख जाएगी। वैसे खाला आप भी उसे कुछ नहीं समझाती? नहीं, समझाती तो रहती हूँ इतना ज्यादा, अब हर वक्त की डांट डपट भी तो ठीक नहीं है ना। क्या कहेगी, सास है नहीं और खाला सास बन के बैठ गई है। खाला आप ये कैसी बातें कह रही? अम्मी अबू की वफात के बाद आप ही ने हम तीनों को पाला? बुरे वक्त को कभी याद नहीं करते, देखा तुमने अल्लाह ने कितना हमारा साथ दिया। आलिया भी शादी होकर अपने घर की हो ली, तुमने भी अपना घर बसा लिया। बस जल्दी से फराज आ जाए ना, तो मैं सज्जल के फर्ज से भी आजाद हो जाऊं। सिर्फ सज्जल नहीं, आईना कभी निकाह कर देते हैं और फिर हम लोग हज पे जाएंगे। हाँ ये तो मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता भी तो होना। खाला एक लड़का है। अच्छा कौन है? मेरे दफ्तर में काम करता है और बहुत अच्छा लड़का है, उसके फादर को मैं पर्सनली जानता हूँ। इनफैक्ट वो जिक्र कर रहे थे कि वो अपने बेटी की बहुत जल्द शादी करना चाहते हैं, अगर आपको मुनासिब लगता है तो आईना के लिए जरूर देख लें। हाँ, देखने में क्या हर्ज है। हाँ भाई, बोर तो नहीं होने दिया हमारी बेटी को? बहुत बोर किया, मुझे नहीं पता था कि इतना बेकार हो चुका है। क्यों इमरान, हमारी बेटी को तंग क्यों किया? एक्चुअली इसका कसूर नहीं है, अगर ये अपने आप में हो तो किसी और की तरफ ध्यान देना।
इसका ध्यान तो कहीं और ही अटका हुआ है। अंकल अब इसकी शादी करते हैं। शादी करा दो भाई, करा देंगे शादी जब ये अपने आप को शादी के लायक साबित करेगा। अभी तो अपनी हर जरूरत के लिए बाप की तरफ देखता है, पहले ये साबित करे कि बीवी के नाज रखने शादी के बाद उठा सकता है या नहीं। आप ऐसे क्यों कहते हैं? जो कुछ हमारे पास है वो सब इसी का तो है। है नहीं, हो जाएगा, लेकिन उस सूरत में हो जाएगा जब ये अपने आप को उसका अहल साबित करेगा। आप लोग ऐसी बहस में लगे रहेंगे और ये इमरान एक दिन किसी लड़की को आप लोग के सामने लाके खड़ा कर देगा और कहेगा कि मुझे उससे शादी करनी है। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया क्या? ले आए, हमारे सामने खड़ा भी कर दे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन शादी इसकी मेरी मर्जी से होगी, मेरी पसंद की लड़की के साथ। क्लियर? तो शादी मेरी नहीं होके हो रही है। क्या कहा? ये तो आईना है। हाय। पापा के सामने क्या कह रही थी? मैंने क्या कहना था, तुम्हारी मुश्किल ही आसान कर रही थी, और अब अगर बात कर ही दी थी तो तुम्हें चाहिए था कि थोड़ी हिम्मत करके तुम अपनी पसंद का नाम ले लेते, लेकिन तुमने तो मौका ही गवा दिया। वक्त आएगा ना, मैं खुद बता दूंगा। तुम्हें क्या मसला है? कुछ भी नहीं, लेकिन तुम जरूर किसी बड़े मसले में फंसने वाले हो। सुना नहीं, अंकल चाहते हैं कि वो तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की से करें। शादी मेरी होनी, उनकी नहीं। तो ये बात तुमने उनके सामने क्यों नहीं की? तब तो रंग उड़ गया था। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। ओके? कहां खो गई तुम? मैं सोच रही हूँ कि जब आईना की वजह से तुम्हारे और अंकल के बीच में जंग छिड़ेगी तो मुझे किसकी साइड पे होना चाहिए। ओ हेलो, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि उनको आईना पसंद ना आए, लेकिन ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आफ्टर ऑल मैं उनकी इकलौती औलाद हूं। गुड लक, देखते हैं। थैंक्स। घर में ना सास है ना नंद है, फिर भी मौसूफ सारी कसर पूरी करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, आलिया आप ही को तो थप्पड़ भी मार देते थे। वो तो शादी करा के बाहर गई तो सुकून का सांस लिया। हाँ, खुद तो ले लिया सुकून का सांस, और मुझे अपने चंगेज खान जैसे भाई के गले बांध गई। इतना कुछ रखता है मेरा भाई आलिया भाभी को, और ये तुम क्यों इतनी खामोश हो? वैसे तो तुम मोहसिन भाई की बुराई में सबसे आगे होती हो। मेरे लिए रिश्ता ढूंढ के बैठे। सच्ची? भाई कितना मजा आएगा ना, घर में दो दो शादियां होंगी। शक
तो तुम यहाँ बैठी हुई हो? हाँ, वहां मोहसिन तुमको ढूंढ रहा है और बच्ची रो रो कर हलकान हो रही है। आपके बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत ही बुरा हुआ। बोलो क्या हुआ? कहते हैं जब तक खाना बनाना नहीं सीख लेती वापस मत आना। अच्छा, तो तुम यहाँ बैठ के खाना बनाना सीख रही हो, है ना? हद करती हो तुम भी। मेरे बेटे को तो तुमने हव्वा बना लिया बिल्कुल। थोड़ा सा तो घरदारी में ध्यान दो ना। पाला, आप भी मुझे ही डांट रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उसको भी डांटती रहती हूँ, लेकिन वो भी तो सही कहता है। जाओ घर जाओ। देखने खाला, आप ना मुझे शेर की गुजार में जाने का बोल रही हैं। जाओ घर जाओ। जा रही हूँ। और यहाँ तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाँ जाओ, जाके किचन का सामान समेटो। शाबाश। मैं तरबूज तो खाने दे। ये तो सुनो, तुम्हें अब इमरान से बात कर लेनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अब तो करनी पड़ेगी। तो इनको पता नहीं क्या मुसीबत है, इतनी लंबी सी टांग हमारे मामलों में अड़ाते रहते हैं। या तो उस पे चीखते हैं या हम पे चीखते हैं। मुसीबत। तो क्या हर गलती के बाद खाला के घर भागोगी? तो और यहां बैठ के आपकी डांट सुनती क्या? अपनी गलती का कोई एहसास नहीं होता? मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की थी। सारा दिन यही कोशिश होती है मेरी कि आपको खुश रखूं, मगर इंसान हूं, कोई ना कोई कमी तो रह जाती है। मैं कौन सा अपने मेके में काम करती थी। एक आप हैं, जरा सी बात पर बेइज्जती कर देते हैं। वहां मेरा भाई आपकी बहन को इतना खुश रखता है और आप। अच्छा, गोया तुम खुश नहीं हुआ? खुश हूं, मगर मुझे आपसे डर ज्यादा लगता है। शौहर का काम ये तो नहीं होता ना कि सारा दिन बीवी को गलतियों पे डांटता रहे। तो शौहर का और क्या काम होता है? अच्छे शौहर अपनी बीवियों को घुमाने लेके जाते हैं, उन्हें आइसक्रीम खिलाते हैं, तारीफ भी करते हैं। यानी मैं तो किसी तारीफ पे नहीं उतरता। ये तो मैं कह रही हूँ, जिस इंसान के पास अपनी बीवी से कहने के लिए दो प्यार भरे रोमांटिक जुमले नहीं, उस शौहर का क्या फायदा। असल बात पता है क्या है? कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। चलो उठो। घर से निकालेंगे? अरे नहीं, तुम्हारी शिकायतें दूर करूंगा, तुम्हें बाहर खाने पर लेके जाऊंगा, कुछ तारीफें करूंगा और मोहब्बत का इजहार भी। सच्ची? मगर ताबिंदा, वो ऑलरेडी खाला के पास। बस चले, ठीक है। ना खाओ, आइसक्रीम खाओ, मुझसे कहीं ज्यादा मीठी और ठंडी है। अच्छा, तो तुम्हारी कजिन किस पे गई है? और प्लीज उसका पीछा छोड़ दो, वो ऐसे ही है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती। मैं छोड़ दूँ? वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगी? इसका क्या मतलब? तुम मानो या ना मानो, उसकी नीयत में खोट है, पसंद करती है तुम्हें। हो सकता है, मेरी बहुत अच्छी कजन है वो। इमरान, वो तुम्हें इस तरह पसंद करती है जिस तरह मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ओह, हो सकता है। सारी बात तो ये है ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और आईना प्लीज
इसकी बातों पर तवज्जो देना छोड़ दो। अच्छा ठीक है, हो गया, अब घर चलें। कभी कभार इतनी आउटिंग अच्छी होती है। सिर्फ कभी कभार। आइसक्रीम खिला दें। ताबी खाला के पास है, जरा है जो तुम्हें ख्याल हो। ये वाला जो आपका रूप है ना, ये घर जा। और रही ताबी की बात, वो अपनी दादू के पास ज्यादा खुश रहती है। सुना तुम अब तक घर वालों से बात की? नहीं अब तक नहीं की मैंने। तो करो ना जल्दी, वैसे भी मोहसिन भाई ने रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और वो जिस काम के पीछे पड़ जाए ना उसे करके दम लेते। हमने भी उनकी सारी बातें मान ली। ये तुम्हारे मोहसिन भाई हैं क्या चीज? ये मिल गए ना मुझे, दो दो बात कर लूं मैं उससे। फजूल बातें नहीं करो तुम। लाकर शुक्र है तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ। अच्छा देखो अब तो मुझे घर छोड़ दो। क्या यार, एक तो आने के लिए इतनी मुश्किल से तैयार होती हो और अब जाने की बेताबी। तुम्हारी जगह एनी होती तो सारा दिन हम लोग। मैं एनी नहीं हूँ, ठीक है ना? मेरे घर के अपने कुछ वैल्यूज हैं। मैं बिना किसी वाज़े रिश्ते के तुम्हारे साथ इतना लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकती। तो तुमने इंसिस्ट किया तो मैं आ गई। आई नो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरी बात मानती हो। ये तो आईना है। मैं आज ही मोहम्मद से बात करूंगा। अब मैं तुम्हें किसी रिश्ते से ही यहां लेकर आऊंगा। अब कहोगी नहीं क्या? आई लव यू। जम उधो करा। गाड़ी में चल के बैठो। क्या कर रहे हो? और इसको बाजू क्यों पकड़ रहे हो? मोहसिन भाई, ये मोहसिन भाई है। गाड़ी में जाके बैठो। भाई ना, ये लड़का कौन है? मोहसिन भाई आप गलत मतलब ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आइंदा इसके करीब भी आए तो टांगे तो ना था।